पुलिस थाने में पुलिस कर्मचारियों ने एक व्यक्ति को बुरी तरह से पीटा और वो भी जानबूझकर एक ऐसे कमरे में जिसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं था। घटना के दौरान किसी मामले को लेकर एक व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी से जानकारी लेनी चाही तो उसने 5000 रुपए की रिश्वत की मांग कर डाली। जब पीड़ित ने विरोध किया तो अधिकारी ने गाली गलौज करके पीटना शुरू कर दिया। सिर्फ 5000 रुपए की रिश्वत न मिलने पर पूरे पुलिस थाने ने पीड़ित के खिलाफ साजिश रच डाली और झूठी FIR दर्ज कर दी। मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो पाया गया कि पुलिस अधिकारी ने अपने का रोब दिखाते हुए दुरुपयोग करते हुए पीड़ित के साथ मारपीट की, जिसके कारण पुलिस अधिकारी ने अपने निजी बचाव के अधिकार का उल्लंघन किया और साथ ही कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए कानून द्वारा दिए गए अधिकार क्षेत्र का भी दुरुपयोग किया। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी ने जानबूझकर ऐसे पुलिस कर्मियों को संरक्षण दिया जो पुलिस हिरासत में अत्याचार के अपराधी हैं। इतना ही नहीं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ पुलिस कर्मियों के पूरे स्टाफ ने सबूतों को नष्ट करने का और उनके साथ छेड़छाड़ करने का, हेराफेरी करने की पूरी कोशिश की है और सीनियर पुलिस ऑफिसर ने उनको बचाने का गंभीर अपराध किया है। 17 सितंबर 2023 को एक गांव के निवासियों ने उस कंपनी के ट्रकों की आवाजाही रोक दी जहां याचिकाकर्ता काम कर रहा था। अब चूंकि वो उस कंपनी का प्रभारी था इसलिए याचिकाकर्ता उस जगह पर गया जहां पुलिस अधिकारी पहले से ही मौजूद थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब उसने अधिकारी से इस मामले के बारे में पूछा तो उससे 5000 रुपए की अवैध रिश्वत की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने जब विरोध किया तो पुलिस अधिकारी ने उसको पीटना शुरू कर दिया। उसका कहना है कि उसे पुलिस कर्मचारियों द्वारा संबंधित पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां उसे प्रतिवादी नंबर 7 जो कि एक अन्य पुलिस अधिकारी था उसके द्वारा बांस की छड़ी के साथ एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और उसे बेरहमी से पीटा गया। जब याचिकाकर्ता के रिश्तेदार और मित्रों ने इसका विरोध किया तो उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। इस मामले में आरोप है कि पुलिस कर्मचारियों ने साजिश रची और याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठी FIR दर्ज कर डाली। याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन के अंदर लगे कैमरे की CCTV फुटेज हासिल की जो कि पुलिस ने खुद उपलब्ध कराई थी। उधर पुलिस की तरफ से भी एक सबूत के तौर पर याचिकाकर्ता और पुलिस अफसर के बीच सड़क पर हुई लड़ाई की फुटेज वाली एक पेन ड्राइव दाखिल की गई। कोर्ट ने दोनों पार्टीज के पेश किए गए सबूतों के आधार पर पाया कि याचिकाकर्ता की बेरहमी से पिटाई करके प्रतिवादी संख्या 10 जो कि एक पुलिस अधिकारी है उसने निजी बचाव के अपने अधिकार का उल्लंघन किया है और साथ ही कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए कानून द्वारा दिए गए अधिकार क्षेत्र का भी उल्लंघन किया है, यानी अपने पद का और शक्तियों का दुरुपयोग किया है। हाईकोर्ट में पुलिस कर्मियों के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की मेडिकल एग्जामिनेशन एक डॉक्टर ने की थी जिसमें उसके शरीर पर कोई भी चोट नहीं पाई गई। हालांकि हाईकोर्ट ने पाया कि डॉक्टर ने अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन नहीं किया और मुख्य रूप से जो दोषी पुलिसकर्मी थे उनको बचाव करने के लिए एक झूठी रिपोर्ट बनाई गई, क्योंकि अगर याचिकाकर्ता के शरीर पर चोट के निशान मिले होते, रिपोर्ट में दिखा दिए होते, तो जो प्रतिवादी हैं, जो प्रतिवादी संख्या 5 और 10 हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं और उसके साथ साथ पुलिसकर्मी हैं, वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। फिलहाल हाईकोर्ट ने DGP को याचिकाकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट की जांच करने का निर्देश दिया है और अगर याचिकाकर्ता की MLC में किसी चोट का उल्लेख नहीं किया गया है तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत MLC बनाने के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी और कर्मियों को क्लीन चिट देने वाले SDO के खिलाफ भी कोर्ट में झूठी रिपोर्ट पेश करके धोखाधड़ी करने की कोशिश के अपराध में आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए अत्याचार के इस मामले में पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वो 3 महीने के भीतर राज्य भर के सभी जिलों के पुलिस थानों के प्रत्येक कमरे में ऑडियो सुविधा के साथ CCTV कैमरा लगाना सुनिश्चित करे। ऐसा ना करना अवमानना के बराबर होगा। कोर्ट ने ये टिप्पणी अभी हाल ही में सामने आए एक ऐसे मामले को सुनते हुए की जिसमें याचिकाकर्ता को संबंधित पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों ने बुरी तरह से पीटा और वो भी जानबूझकर एक ऐसे कमरे में जिसमें CCTV कैमरा नहीं था। इस मामले में जस्टिस GS अहलूवालिया की एकल पीठ ने अपने आदेश में पुलिसिया सिस्टम की पोल खोल दी और कहा कि सीनियर पुलिस अधिकारी की मिलीभगत से पुलिस थाने के अंदर ही अत्याचार हुआ। याचिकाकर्ता को जानबूझकर ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां सीसीटीवी
कैमरा नहीं था। और इस बात से ये साफ जाहिर हो जाता है कि इस मामले में पुलिस कर्मियों की नियत न्याय की नहीं बल्कि याचिकाकर्ता पर हमला करने और अपनी अवैध गतिविधियों को छुपाने के इरादे से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा अदालत ने माना कि पुलिस अत्याचार का शिकार होने के कारण याचिकाकर्ता 1,20,000 रुपए के मुआवजे का भी हकदार है, जिसे प्रतिवादी 5 और 10 यानी पुलिस अधिकारियों द्वारा 1 महीने के भीतर अदालत में जमा करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, अखिलेश पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 31,360 2023 में याचिका स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो 18 फरवरी 2025 तक मध्य प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशन में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करे, और यदि रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है तो रजिस्ट्रार जनरल को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक अलग मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। एक बात आप लोग जान लीजिए, अगर किसी भी सरकारी अधिकारी पुलिस प्रशासन के अत्याचार पर आप चुप रह गए तो आपने उस अत्याचारी को और ज्यादा अत्याचार करने के लिए उकसा दिया है। पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ा हुआ है, और आजकल जिस हिसाब से पुलिस द्वारा किए गए अन्याय के मामले सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, अपराधियों को बचाने के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है ये विभाग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आम आदमी को इस तरीके से डरा दिया जाता है कि वो अपना मुंह खोलने से भी डरता है, जिसके कारण इस विभाग के कुछ अपराधी किस्म के अफसर और कर्मचारियों का भ्रष्टाचार और उत्पीड़न चरम पर पहुंच गया है। इसके अलावा जब जब कोई ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल देता है तो पूरा थाना दोषी निकलता है। इस मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ। 5,000 रुपए की रिश्वत के लिए सीनियर पुलिस अधिकारी समेत पूरा थाना डूब गया। ऐसे में आप इस संस्थान से कैसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? मेरे हिसाब से पूरे पुलिस सिस्टम में एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। आप लोगों को क्या लगता है, कैसे सुधारी जा सकती है यह व्यवस्था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।